इस्तकबाल है नाजरीन साहिल ऑनलाइन में देखिए मुल्क भर से जुड़ी अहम और जरूरी खबरें फटाफट अंदाज में। चीफ जस्टिस का ओहदा संभालते ही जस्टिस यूयू ललित ने तारीख के दो बदतरीन मामलात पर सुनाया अपना फैसला। बाबरी मस्जिद को शहीद करने से मुतालिक सभी मामलात को खत्म करने का जारी किया फरमान। 1992 में मस्जिद की शहादत रोकने में नाकाम रियासती हुकूमत और सरकारी अफसरान के खिलाफ दर्ज जेरे इल्तिवा सभी मामलों को बंद करने का दिया हुक्म। अदालत उज़्मा ने इहानत की सभी अर्जियों को भी किया खारिज। बीजेपी के दिग्गज उमा भारती, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार और साध्वी रितंबरा जैसे लोगों के नाम खारिज किए गए मुकदमात में थे सहरे फहरिस्त। फैसला सुनाते हुए अदालत ने दी दलील, वाकये को लेकर गुजर चुका एक तवील अरसा, मामले में अब नहीं है कुछ नई बात। अर्जी गुजार असलम भूरे भी दुनिया से कर गए हैं रहलत। 2019 में बाबरी मस्जिद और राम मंदिर को लेकर आए फैसले के मद्देनजर इससे मुतालिक सभी जेरे इल्तिवा मामलों को किया जा रहा है बंद। गुजरात 2002 के मुस्लिम कुछ फसादात से मुतालिक भी सुप्रीम कोर्ट ने सभी कार्रवाइयों को बंद करने का सुनाया फैसला। बोली अदालत, वक्त गुजरने के साथ ही बेनतीजा होते गए मुकदमात, अब मजीद सुनवाई का बाकी नहीं रहा कोई खास मतलब। 9 में से 8 मामलात की भी खत्म हो चुकी है समाअत। निचली अदालतें सुना चुकी हैं अपने फैसले। सिर्फ एक ही नरोड़ा गांव से मुतालिक केस की अब जारी है समाअत। अब मजीद मुतालिका फसादात के मामले को लेकर सुनवाई की नहीं है कोई जरूरत। अदालत उज़्मा के दोनों फैसलों से मुसलमानों में नजर आ रही है मायूसी। गुजरात फसादात में करीब 2000 मुसलमानों का हुआ था कत्लेआम। सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया बेंगलुरु चामराजपेट ईदगाह मैदान में दिया गया कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला। मैदान में हिंदुओं का त्यौहार गणेश उत्सव मनाने की नहीं दी इजाजत। रियासती हुकूमत की अर्जी पर हाई कोर्ट की जानिब से गणेश चतुर्थी मनाने की मंजूरी को सुप्रीम कोर्ट ने किया मुस्तरद, पुराने स्टेटस को ही बरकरार रखने का जारी किया फरमान। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर कपिल सिब्बल ने अदालत में पूरे मामले की थी वकालत। यूपी के मथुरा रेलवे स्टेशन से सो रहे 7 माह के मासूम बच्चे की अगवा की वायरल सीसीटीवी वीडियो के बाद पूरी सिंडिकेट का हुआ पर्दाफाश। फरीदाबाद में बीजेपी कॉरपोरेटर विनीता अग्रवाल के घर से बच्चे को किया गया बरामद। मामले में कॉरपोरेटर और उसके शोहर समेत कुल 8 लोगों को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुलजमीन में मास्टरमाइंड 2 डॉक्टर्स भी हैं शामिल। 1,80,000 रुपए में बीजेपी लीडर ने डॉक्टर से ही खरीदा था बच्चा। 6 दिन कबल 24 अगस्त को सुबह करीब 4:30 बजे अहलखाना के साथ सो रहे बच्चे को एक शख्स चोरी करके भागता हुआ सीसीटीवी में आया था नजर। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुई थी वीडियो। मामले में पुलिस ने दिखाई मुस्तैदी, पूरे सिंडिकेट का किया पर्दाफाश। आप लोगों ने फुटेज देखा होगा, वो आदमी जो है वो दीप कुमार है, जो बच्चा जो है वो उठा करके ले गया था। फिर उसके बाद हमें पता चला कि पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड इनका गैंग है, पूरा एक जिसमें कई लोग शामिल हैं, जिसमें बच्चा चोरी करने वाले हैं, बच्चा बेचने वाले हैं, इसमें कुछ 2 महिलाएं भी शामिल हैं जो ANM का काम जो है वो हाथरस में करती हैं, और उनके द्वारा जो भी जिसको जिस भी दंपति को बच्चे नहीं होते हैं उनका क्या करते हैं कि वो लोग उनके पास आते हैं, फिर वो हॉस्पिटल वाले के पास ले जाते हैं और वहाँ पर ये बच्चे को बेचा जाता है और ख़रीदा जाता है और उनके जो भी लोग हैं उन तक पहुँचाया जाता है। तो इसी में पूरे जो सिंडिकेट था तो उसमें हमने बच्चा जो है बरामद किया है, जो उस बच्चे का नाम संजय है उसको हमने बरामद करके उसके माँ बाप को जो है वो सुपुर्द किया है, और इसमें जितने भी लोग इसमें शामिल थे उन्हीं लोगों को हमने सभी लोगों को अरेस्ट किया है। कांग्रेस के कद्दावर लीडर गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में पार्टी के पैरों तले किसकी जमीन। बैक वक्त अब 64 कांग्रेस लीडरान ने पार्टी का छोड़ दिया साथ, सभी ने एक साथ सौंपा अपना इस्तीफा। गुलाम नबी आजाद की जानिब से तश्कील दी जाने वाली नई सियासी पार्टी में शमूलियत के जाहिर हो रहे आसार। यूपी जिला मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव में घर पर इज्तिमाई नमाज अदा करने के मामले में पुलिस ने लिया यू टर्न। सख्त फजीहत के बाद आखिरकार पुलिस ने वापस ली नमाजियों के खिलाफ दर्ज FIR। खत्म किया पूरा मामला। समाज में नफरत व अदावत को बढ़ावा देने की दलील देकर मुट्ठी भर लोगों के दबाव में आकर पुलिस ने दर्ज की थी FIR। असदुद्दीन ओवैसी और समाजवादी पार्टी समेत मुल्क भर के दानिश्वरों ने की थी सख्त तनकीद। हुकूमत और पुलिस के दोहरे और तासुबाना रवैये पर उठाया था सवाल। आप लोगों को थोड़ी जानकारी होगी कि 1980 में इस गांव के जिम्मेदारों ने इस बात को तय किया था कि जुम्मे की नमाज
एक पर्टिकुलर घर में अदा की जाएगी। तो 1980 से एक मुसलमान के जाती मकान में ये जुम्मे की नमाज अदा हो रही 1980 से। अब अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर, भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूँ, क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है। ये डिमांड क्या कर रहे हैं? डिमांड क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज में पढ़ रहे हैं, अभी क्या है उसमें, आप नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, आप कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते, मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, अब हम घर में पढ़ रहे हैं, तो उस पर एतराज क्या? अनेक आप तो चारों तरफ से आप हमको दबा देना चाह रहे हैं। ग्राम दुल्लेपुर में ग्राम वासियों द्वारा प्रमुख चंद्रपाल आदि ने सामूहिक नमाज को लेकर शिकायत करी थी कुछ लोगों की, और उस पर प्राथमिक सूचना दर्ज हुई थी। प्राथमिक सूचना में सीओ साहब के परिवेक्षण में बहुत गहनता से जांच होगी, गहनता से जांच कर रहा है, ये जो आरोप है वो बिल्कुल प्रमाणित नहीं हुए हैं, और इस बेसिस पे ये मुकदमा एक्सपेंस किया जा रहा है, इसका मतलब कम्प्लीटली खत्म किया जा रहा है और अन्य विधि कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। कर्नाटक में 8वीं जमात की किताब में सावरकर की अजीबोगरीब कहानी पर मुश्तमिल सबक शामिल किए जाने पर मुल्क भर में हुकूमत को सख्त तनकीद का बनाया जा रहा निशाना। अंडमान जेल से बुलबुल के पंखों पर बैठकर भारत आने के तस्करे का जमकर बनाया जा रहा है मजाक। बीजेपी ने पेश की सफाई, कहा वो सिर्फ सावरकर की थी तखयुलाती उड़ान। बोली कांग्रेस इख्तदार में आते ही असबाब से निकाल बाहर की जाएगी, बेतुकी बातें। बिहार जिला किशनगंज के ठाकुरगंज इलाके में पेश आई मॉब लिंचिंग की वारदात, चोरी का इल्जाम आयद करके दो नौजवानों को पीट पीट कर उतार दिया गया मौत के घाट। आए दिन गांव में होने वाली चोरी की वारदातों से सख्त परेशान थे मकामी लोग। चोरी करने वाले दो नौजवानों के हत्थे चढ़ते ही पीट पीट कर किया कत्ल। जरूरी कार्रवाईयों के बाद पुलिस मामले की मजीद कर रही तहकीकात। दोनों महलुकीन के खिलाफ पहले से पुलिस थाने में दर्ज है चोरी के मुतअद्दिद मुकदमात। छत्तीसगढ़ जिला कोरिया के रमदावा वाटरफॉल्स में पेश आया आंदोलनाक हादसा, सेल्फी लेने के दौरान एक ही खानदान के सात अफराद पानी में हुए गर्क, 6 लोगों की डूबने से वाकई हुई मौत, एक खातून का किया गया रेस्क्यू। वजीर आला ने मेलुकिन के अहले खाना को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देने का किया ऐलान। केरल और कर्नाटक समेत जनूबी हिंदुस्तान के कई शहरों में भारी बारिश का सितम, नदी और समंदर का मंजर पेश कर रहे मुतअद्दिद इलाके, घरों और दुकानों में भी दाखिल हुआ पानी, टिंटों की तरह पानी में बहती नजर आई गाड़ियां, मफलूज हुआ रोजमर्रा जिंदगी का निजाम, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का भी बढ़ गया खतरा, तालीमी इदारों में छुट्टी का किया गया ऐलान, महकमे मौसमियात ने अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का जारी किया अलर्ट। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया की नहीं थम रही है मुश्किलात, घर पर छापेमार कार्रवाई के बाद सीबीआई ने बैंक पहुंचकर भी सिसोदिया का खंगाला लॉकर। बोले सिसोदिया, घर की तरह ही लॉकर में भी सीबीआई के हाथ नहीं आया कुछ, लॉकर में रखे हुए थे सिर्फ 70-80 हजार रुपए के बीवी बच्चों के जेवरात। तो जन्माष्टमी के दिन जब सीबीआई की रेड की गई थी तो उस दिन मेरे घर से मेरी पत्नी के लॉकर की चाबी ले गए थे, जिसका लॉकर यहाँ है। आज सीबीआई उस लॉकर को खोलने आई थी, उसकी जांच करने आई थी, उन्होंने हमें भी बुलाया था। लॉकर में भी जैसे मेरे घर में कुछ नहीं मिला वैसे लॉकर में भी कुछ नहीं निकला। मुश्किल से 70-80 हजार रुपए के कुछ बच्चों के, कुछ मेरी पत्नी के ज्वेलरी वगैरह, कुछ कुछ इस तरह की चीजें हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि प्रधानमंत्री जी ने मेरे घर की पूरी छानबीन करा के तलाशी करा के करा दी, वहाँ से भी कुछ नहीं निकला। आज प्रधानमंत्री जी ने सीबीआई भेज के मेरे लॉकर की जांच भी करा ली, उसमें से भी कुछ नहीं निकला। यही इस बात का सबूत है कि आज प्रधानमंत्री जी की सारी जांच में मैं और मेरा परिवार पाक साफ निकले हैं। प्रधानमंत्री जी की पूरी सारी जांच में एकदम क्लीन चिट है, कहीं कुछ ऐसा चीज नहीं है जिसको ये कह सके ये क्यों है, ये क्या है, ये कैसे है, कहीं एक पैसे का क्वेश्चनेबल कुछ नहीं है। इटावा से सामने आई हैरत अंगेज तस्वीर, जल्दबाजी के चक्कर में रेलवे ट्रैक को पार करने की कोशिश के दौरान पटरी पर फंस गया मोटरसाइकिल का पहिया, वक्त रहते मोटरसाइकिल छोड़कर किनारे पहुंचा नौजवान, बाल बाल बची जान, मोटरसाइकिल के उड़े पर अक्षय। हादसे के बाद कुछ देर के लिए पटरी पर ही रुकी रही ट्रेन, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हादसे की तस्वीर।